Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to find out the value of x if the median of the data is given to us. Now the question is, the following observations have been arranged in ascending order. हमें जो है कुछ ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमें कुछ डेटा गिवन है, इस डेटा को ऑलरेडी जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करके हमें जो है गिवन है, ये हमें डेटा गिवन है. इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, अगर डेटा का जो मीडियन है वो कितना हमें गिवन है, 63 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब मीडियन निकालने के लिए हमें जो है डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, बट हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो है डेटा जो है गिवन है. अब हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है. x कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हम देखते हैं कि n क्या है. n मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो n है वो हमें गिवन है 10. ठीक है, n हमें गिवन है कितना, 10. उसके बाद हमें गिवन है कि जो मीडियन है वो कितना है, 63. अब सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जो हमारा जो n है वो क्या है, इवन है. इवन है ना, 10 जो है क्या है, इवन है. सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, द मीडियन can be median can be calculated as. जब भी हमारे पास जो number of observations हैं अगर even हो, जैसे कि यहाँ पे number of observations क्या है, 10 है, तो 10 क्या है, even है, तो median हम कैसे calculate करेंगे. So median is equal to n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation upon में आएगा 2. ठीक है, upon 2. So n क्या है हमारा, 10. So 10 upon 2th observation plus n क्या है हमारा, 10. So 10 upon 2 plus 1th observation, ये हो गया upon 2. अब 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 पे, मतलब कि 5th observation, 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 पे, 5th. तो ये हो गया 5th observation प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6. 6th ऑब्जर्वेशन और अपॉन हो गया 2. अब 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4 and 5, एक्स. 5th ऑब्जर्वेशन पे क्या है हमारा, एक्स. 6th ऑब्जर्वेशन पे क्या है, एक्स प्लस 2 अपॉन 2. अब हमें मीडियन हमें गिवन था कितना, 63. ओके, अब मीडियन हमें गिवन है 63. x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x. सो 2x प्लस 2 अपॉन 2. अब 2x प्लस 2, दोनों में 2 है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे. 63, 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 पे, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 1, 2. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 63 इज इक्वल टू x प्लस 1. इधर प्लस 1 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1. तो x इज इक्वल टू 63 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 62. तो जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 62. ओके,
Now the next question is find the mode of. हमें mode find out करना है. हमें जो है data हमें जो है given है. अब mode find out करने के लिए सबसे पहले जो हमें data given है, जो हमें observations given है, इनको हम किस में arrange करेंगे? Ascending order में. तो सबसे पहले हम लिखते हैं to find the mode. We first arrange the given data in ascending order. Given data in the ascending order. Ascending order means from the least number we move to the highest number. तो यहाँ पे सबसे छोटा number कौन सा है? 14. So 14 one time नहीं आ रहा. 1, 2, 3, 4 times आ रहा है. So 14, then 14. Okay. उसके बाद उससे highest क्या है? 17. ठीक है. उसके बाद उसके highest क्या है? 18. 18 आ रहा है 1, 2, 3 times. So 18, 18, and 18. उससे highest क्या है? 22. हमने लिखा 22. उससे हाईएस्ट क्या है? 23. ओके, हमने लिखा 23. उससे हाईएस्ट क्या है? 25. एंड देन हमने लिखा 28. ओके, हमने जो है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब मॉड का मतलब क्या होता है? कि वो डेटा में वो वैल्यू जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है अकर हो रही है, मतलब कि जो बहुत बारी आ रही है. अब देखो, आप 17 वन टाइम आ रहा है, 18 थ्री टाइम्स आ रहा है, 22, 23, 25, 28 वन टाइम आ रहे हैं. बट जो 14 है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है. सो 14 क्या है? सबसे ज्यादा जो है ये वैल्यू जो है डेटा में आ रही है. सो इसका मॉड क्या हुआ? 14. क्या हुआ इस डेटा का मॉड? 14. क्योंकि जो 14 है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है. तो इस तरीके से हम जो है गिवन डेटा का जो है मॉड फाइंड आउट करेंगे. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.